हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को लेकर आया हूँ। इसमें ट्रांसलेशन आपको बताएंगे, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं, और आप बड़ी रोचक वीडियो देखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों, आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें पढ़ाया क्या जाना है। जो भी आपके यूट्यूबर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनको भी आप जाने कि वो पढ़ाना क्या चाहते हैं। पहले देखें हिंदी की पहचान। हिंदी में इसकी पहचान होती है कि समान हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होते हैं। इसमें कुछ एडवर्ब भी जुड़े मिलेंगे, जिससे आपको पहचान मिल जाएगी। जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कोई भी टाइम हो सकता है, इन फ्यूचर आदि, इस तरह के एडवर्ब शब्द, मतलब जो कि टाइम बताने वाले शब्द उसमें जुड़े मिलेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इस टेंस में आई और बी के साथ सैल का प्रयोग किया जाता है, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट सैल बिल, आपको बताया पहले कि आई और बी के साथ सैल का प्रयोग, बाकी और कर्ता के साथ बिल का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द आएंगे तो उनको लिखेंगे। जैसे कल हम वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, तो कौन जाएगा? हम जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हम का हो जाएगा बी, फिर सैल का प्रयोग होगा, फिर वर्ब गो टू टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी। तुम इस कक्षा के प्रतिनिधित्व करता बनोगे, क्या होगा? यू विल बी, क्या होगा? यू विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास। अगला सेंटेंस देखें, वह मेरा इंतज़ार करेगा, ही विल वेट फॉर मी, क्या करेगा? वेट करेगा, वेट फॉर मी। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव में बिल और सेल के बाद और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वे टीम में नहीं खेलेंगे, जैसे दे विल, क्या हो जाएगा? वे दे विल का प्रयोग, फिर नॉट प्ले, प्ले खेलने का अंग्रेजी प्ले, विद द टीम, तुम इस घर में नहीं रहोगे, यू विल नॉट लिव इन दिस हाउस। यू, तुम, यू के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का, बिल, फिर नॉट लिव, रहने के अंग्रेजी, और के बीच में क्या प्रयोग किया? नॉट, नॉट लिव इन दिस हाउस। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं, आई, आई के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल नॉट टॉक टू यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें यदि प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, पहले जैसे ए देखें, हाँ ना में दिया जा सके, तो शैल या बिल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आपको हाँ ना में उत्तर ना दिया जा सके, तो उसमें डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रखेंगे, फिर बिल सेल का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, वह खाना कहाँ खाएगा, तो का क्या? फायर बिल ही ईट, फायर, फिर बिल, फिर ईट, ही ईट फूड, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? यहाँ देखिए प्रश्न का उत्तर हाँ नाम दिया जा सकता है, केवल बिल का प्रयोग, विल यू हेल्प मी, तुम थोड़ा सा खाना क्यों खाओगे? यहाँ वाई विल यू ईट लिटिल फूड। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें बिल सेल का प्रयोग वैसे सब्जेक्ट के पहले किया जाएगा, नॉट को मेन वर्ब के पहले रखकर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं, और इसी तरह डब्ल्यू एच वर्ड वाले भी वाक्य जो हैं डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, उसके बाद बिल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ विद्यार्थी कल विद्यालय क्यों नहीं आएंगे? व्हाई, बिल, फ्रॉम स्टूडेंट्स नॉट कम टू स्कूल टुमारो। वे तुम्हें फ़ोन क्यों नहीं देंगे? व्हाई विल दे नॉट कॉल यू, ठीक है। यही इसी तरह, अब क्या छात्राएं मेहंदी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगी? विल द गर्ल नॉट पार्टिसिपेट इन द मेहंदी कंपटीशन। तो वीडियो आपने, अब बच्चे आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अवश्य करें, थैंक यू, धन्यवाद।